ये मुझे कह रही थी मेरे को उठा दियो, मैं योगा करूंगी। योगा देख लो इसकी, दिखा दे तेरी योगा। ओम फोन में घुसी हुई है ओम, बदतमीज सी। मैं 3-4 दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि एक्चुअली मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था और पापा हॉस्पिटल में हैं अभी एडमिट, तो फिर ऐसे टाइम में कहाँ ही व्लॉगिंग वगैरह याद रहती है, दिमाग घूम गया था मेरा थोड़ा सा। बट अब ठीक है, पापा 2 दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। 3-4 दिन से तो बिल्कुल वीडियो नहीं बना रही मैं, ना व्लॉग बना रही हूँ। फिर आज मैंने सोचा चल थोड़ा हुलिया ठीक कर लूँ, फिर वीडियोस वगैरह बनाएंगे। ये देखो एक अच्छा धारी लुगाई। अरे मैं इतने सुंदर लग रही थी जब से ठीक लिया नहीं मेरा नीच भाई, ये नीच मेरे बाल सीधे कर रही है। सड़ा दूंगी, सड़ा दूंगी, दूध दूंगी, लेकिन बैठे तो नीच। बदतमीज। तो एक प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी थी, काफी दिन से आया हुआ था, उनके फोन भी आ रहे थे मुझे। और लोअर के ऊपर ड्रेस पहनी है, लोअर के ऊपर। तो मैं बस ऐसे टेम्परेरी तैयार हो गई, लोअर के ऊपर ड्रेस पहनी है। देख लो ऐसे लोअर के ऊपर ड्रेस पहन ली मैंने, ऊपर ऊपर कर लेना ना मैंने ऐसे वीडियो के अंदर। चल बना दे आजा, आगे आगे के बाल धो रही है ये। भाई थोड़ा प्रेजेंटेबल लग रहा मुझे, मेरे पर टाइम नहीं है अभी बाल धोने का। देख लो गाइस लड़कियों के जुगाड़, देख लो जुगाड़। फिर सेट हो जाएंगे ना बाल, आगे आगे वाले चलेंगे। सो फाइनली इतने दिनों के बाद मैंने वीडियोस बनाई है, क्योंकि अपसेट चल रहा था ना माइंड बहुत ज़्यादा। पापा को तो अभी 2-3 दिन और छुट्टी नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल में ही एडमिट रहेंगे, मम्मी भी पास ही है पापा के। तो चलो वैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फोटोज़ वगैरह, क्या हाल हुआ है गाड़ी का। बस ठीक है कि चलो भगवान ने इतने में सार दिया कि ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ। उस टाइम तो बस मेरा रोने नहीं रुक रहा था, ऐसे दिमाग खराब हो गया था। ये देखो कितनी मेहनत कर रही है मेरे लिए, मेरे लिए यस, मेरे लिए सोप बना रही है। ये देखो तेरे लिए मैं पड़े गिलास भी ना दे, चावल और ये चिया सीड्स। यस यस, अभी ये मेरे को गोरी करके मानेगी, कहती बहन तू गोरी हो जा। क्या खागी? कॉफी। ओ इसने ये मंगवाए थे ना सोप के मोल्ड, कहती मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगी सोप तेरे लिए। रोज मैं फेस पैक बना बना के परेशान हो चुकी हूँ, सोप ही बना दूंगी कि सुबह शाम उन्हीं से उसी से मुंह धो लो, गोरी तुम करोगी गाइस। आप भी बना दो गोरी हो के, नहीं गोरी करके रहेगी मेरे को, मेरे लिए बन रही है ना। कौन है तू बताऊं क्या अभी, कौन हूँ मैं? डर जा मेरे से, डर जा। इसमें बनाएंगे हम हमारी क्यूट क्यूट साबुन, ऐसे स्टार वाली, दिल वाली। ये मेरी, ये भी मेरी, ये कोमल को दे दूंगी, ये भूंडी सी है ना, ऐसे चोरस सी। और चल यार इतनी बनाऊंगे एक बार, है ना, इतनी ट्राई कर लेते हैं, बना के देख लेते हैं कैसी बनेगी, उसके बाद देखेंगे। देखूंगी मैं सुंदर कितनी बोली होती हूँ। ओ चल चल, नहीं ये चढ़ा दिया हमने पानी, इसमें जाएगी, इसमें सोप जाएगी नहीं, इसमें जाएगी भाई, इसमें दिमाग नहीं है की बात ना सुना करो। अच्छा इसमें जाएगी, देखो ऐसे काट के पिंगलाएंगे ना इसको, नहीं बिना पिंगलाए ऐसे लगा ले तुम। देखो हमारी साबुन पिंगल रही है, मेरा धुंधला क्यों हो गया कैमरा, बाप मार दी इसने मेरे कैमरे के। अब देखो हमारी साबुन पिंगल रही है, हमारी नहीं मेरी, तू भी पिंगल। ये गया इसमें हमारा चावल पाउडर, चिया सीड्स, नमक मिर्च, हल्दी, जो भी मिला सब कुछ डाल दिया हमने। अब मुंह पे रगड़ा करेंगे डेली डेली, अगर गोरे हो गए तो तुम भी रगड़ लेना गाइस। और कुछ और हो गया तो रहने देना। आराम से डालियो, गिरना चाहिए। हमारी साबुने बन गई गाइस, टन टन। साबुन रख के लिट गई है, भूंडी से वेट कर रही हूं जल्दी से ऐसे निकाल। अरे मैं मुंह धोऊं और गोरी हो जाऊं, वाओ ऐसे चमकने लग जाऊं। लस्कारे नहीं मारेगी तू। ये देखो मेरी साबुन निकली कितनी आराम से। हां तो इसमें आराम से निकलती है। अब तू देख ये नाइस, अब मैं इसे मुंह धो के आई, अभी गोरी हो जाऊंगी, चमक जाऊंगी, चमक। शकल देख लो इसकी चमकने वाली। ऐसे गंदे वाला एक्सीडेंट हुआ है ना, ऐसे गाड़ी तो पूरी कुदाई दी थी पापा ने नहर के ऊपर से,
ऐसे पैर का ऑपरेट हुआ है पापा फोटो का, दिखाएंगे गाइस फोटो पड़ी गाड़ी तो, हाँ खत्म गाड़ी तो, गाड़ी तो खत्म ही होगी। अब पैरों में स्क्रू वगैरह डले हैं पापा के, पेच क्या डला है, पेच हाँ सिक्स पेच डले हैं, रोड डली है। मेरे मौसा जी भी थे साथ में तो दोनों अब बैठे हैं, एक बेड पे मौसा जी एक पे पापा जी, दोनों एक ही रूम और में। उनकी ना भी फोटो लगाएंगे हम लोग में बिल्कुल ना, पहले तो हम पूरे सीरियस थे ठीक है, बाद में हम फोटो देखे मतलब इतनी खुशी नहीं मिली, दोनों बैठ के खाना खा रहे थे बिल्कुल ऐसे वाइब आ रही थी, चिल्फन कर रहे जैसे दोस्ती हम नहीं, दोनों के रोड डली है, मौसा जी के भी पैर में रोड डली है, पापा के भी डली है, और इनको बारी बारी रोना ही आ जाता है, ये और मेरी बड़ी बहन रोने में ही है, ये रोने में भी है। अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो आ ही जाएंगे पापा दो दिन में घर पे, बस दो तीन दिन अभी कैसे निकले मुझे पता है। दो दिन तो हमसे झूठ भी बोला, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, फिर बुरा लगा यार, बता दो देना जी। ऐसे पहले तो ऐसे बोलते रहे पापा, कहते हैं कि टच हुई है गाड़ी थोड़ी सी, कुछ नहीं हुआ, फिर कहते मोच आई है पैर पे, दो दिन हमें पता ही नहीं है, हम घर पे ही थे, और फिर बाद में जब गए हैं ना हॉस्पिटल वगैरह फिर पता लगा है कि हाँ भी ऑपरेशन हुआ है पैर का। ऐसा बस मेरे पापा की हम टेंशन ना ले, झूठ बोल रहे थे, टेंशन ना ले, और फिर हमें बाद में किसी और से पता लगा जब हमें कितनी टेंशन हुई है वो नहीं पता लगता, खुद बताने में ऐसे गुस्सा। इस पैर का ऑपरेट हुआ है मेरे पापा का, इसमें रोड डली है, कितने टांके आए हैं देखो, ये मेरे मौसा जी दोनों लेटे हुए हैं, इधर मेरे पापा लेटे हुए हैं, इधर मौसा जी। तो मेरा हो गया है सारा काम, मम्मी घर पे नहीं है तो मुझे ही करना पड़ रहा है सारा काम, सो चलो अब जाती हूँ मैं सोने, गुड नाइट गाइस। ये भी उठी हुई है मेरे चक्कर में अभी तक। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, बाय।